अस्सलाम वालेकुम, ये है ग्रेट साइंस एकेडमी और मैं हूं आमिर नदीम। इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कंप्यूटर साइंस इंटर पार्ट वन का चैप्टर नंबर 5। इस चैप्टर के एम शॉर्ट क्वेश्चन और एम एमसीक्यूज। इस चैप्टर के वाले से मैं सबसे पहले आपको एक बात वाजिया करना चाहता हूं कि इंटर पार्ट वन कंप्यूटर साइंस का ये सबसे बड़ा चैप्टर है। अगर स्मार्ट सिलेबस की बात करें तो भी ये सबसे बड़ा चैप्टर है, क्योंकि इसमें से बहुत कम चीजें स्किप हुई हुई हैं। तो आपने एक टर्म सुनी होगी कि स्मार्ट वर्क क्या होता है। स्मार्ट वर्क में असल में उसमें ये होता है कि आप 80% जो है ना काम 20% टाइम में कर लेते हैं, ठीक है, यानी कि कम टाइम में ज्यादा आप काम करते हैं। कभी मौका मिला तो इस बारे में मैं वीडियो जरूर बनाऊंगा। लेकिन स्मार्ट वर्क अगर आप चैप्टर 5 को तैयार करने बैठ गए तो ये स्मार्ट वर्क बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये टाइम तो आपका बहुत ज्यादा लेगा, लेकिन इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन सिर्फ 4 और एमसीक्यू भी 1-2 आएंगे, लॉन्ग 1 आएगा। लेकिन लॉन्ग भी मैं कोशिश करूंगा कि मतलब आप कोशिश करें कि छोड़ दें इस चैप्टर का, बाकी जो 4 होंगे आपके पास उनमें से 3 करने हैं तो वो कर लेंगे आप इसमें, क्योंकि इसमें से 12 लॉन्ग है खाली इस चैप्टर में से, 12 से 13 इससे भी ज्यादा हो सकता बन जाए। तो इतने लॉन्ग आप तैयार करेंगे उसमें से ये करेंगे बजाय बाकी टोटल बुक में स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक 12-13 लॉन्ग बड़ी मुश्किल से बनते हैं, उनमें से वो कर ले तो आप 4 अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो फिर इस सूरतहाल में चैप्टर 5 को लॉन्ग तैयार करना बेवकूफी होगी। हाँ, अगर आप बहुत ज्यादा नहीं है, अगर आपको लगता है कोई मसला है तो आप जरूर करें। मैं लॉन्ग क्वेश्चन जब शेयर करूंगा स्मार्ट सिलेबस के लिहाज से, मैं इस चैप्टर के भी एम लॉन्ग क्वेश्चन शेयर कर दूंगा। बाकी रही बात एमसीक्यूज की या शॉर्ट क्वेश्चन की, वो अब जो मैं शेयर कर रहा हूँ ये ऐसे शेयर कर रहा हूँ जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। एमसीक्यूज तो वैसे ही जो नॉर्मल आते हैं वो शेयर कर रहा हूँ, लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन मैं इसमें बहुत ज्यादा स्किप किए हैं, सिर्फ वो शेयर कर रहा हूँ जो लाजमी बार बार रिपीट होते हैं। तो चैप्टर 5 के शॉर्ट क्वेश्चन के मामले में पूरा स्किप ना करें, क्योंकि 4 शॉर्ट क्वेश्चन है लाजमी आपको थोड़ा तैयार करने पड़ेंगे। तो जो मैं शेयर कर रहा हूँ ये शॉर्ट क्वेश्चन कर लें, इंशाल्लाह इनमें से कुछ ना कुछ लाजमी आप कर लेंगे तो आपके उधर ऑप्शन में 9 में से 6 करने होते हैं वो अटैम्प्ट हो जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 5 को। सबसे पहले एमसीक्यू देखते हैं, आइडिया ऑफ स्टोरिंग शेयरिंग प्रोग्राम इन मेमोरी वाज गिवन बाय वन ह्यूमन आर्किटेक्चर था, यानी कि वन ह्यूमन आर्किटेक्चर कौन सा आर्किटेक्चर होता है जिसमें शेयरिंग स्टोरिंग कंप्यूटर में मेमोरी वाला कंसेप्ट आ जाता है कि पहले स्टोर करो फिर उसको प्रोसेस करो। द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू स्टैंड फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। एएलयू हैज यूनिट्स टू, एएलयू क्या होता है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। इसके आगे दो हिस्से होते हैं, ए यू अरिथमेटिक यूनिट, एल यू लॉजिक यूनिट। तो वो दो हिस्से इसमें होते हैं, ये ए एल यू तक इसमें है, ये सीपीयू के अंदर होता है। रजिस्टर टू कलेक्ट रिजल्ट ऑफ कंप्यूटेशन आर कॉल्ड अकुमुलेटर रजिस्टर। अकुमुलेटर वैसे इसकी मतलब ये रजिस्टर के नाम याद करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन अकुमुलेटर आपको देखें ना नाम से लग रहा है ये इकट्ठा करता है। अकुमुलेटर विच पार्ट ऑफ सीपीयू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कम्युनिकेटिंग विद मेमरी, सीपीयू का कौन सा हिस्सा मेमरी से कम्युनिकेट करता है, कंट्रोल यूनिट। ALU भी CPU में होता है, CU भी CPU में होता है, ये दो मेन चीजें CPU में होती हैं। कंट्रोल सारा कुछ कंट्रोल करता है, मेमोरी से रब्ता करता है। ALU असल में अरिथमेटिक एंड लॉजिक वाले जो ऑपरेशन होते हैं ये परफॉर्म करता है। मेमोरी टू स्पीड ऑफ प्रोसेसिंग कैशे, कैशे से मेमोरी की स्पीड बढ़ जाती है, और कैशे हम इसलिए यूज करते हैं ताकि रफ्तार बढ़ जाए, इसमें हम वो चीजें रखते हैं जो बार बार यूज करनी है। विच मेमोरी नीड रिफ्रेशिंग, डी रैम। रैम दो किस्म की होती है, डी रैम और एस रैम। एस रैम को रिफ्रेश की जरूरत नहीं होती, वो महंगी होती है स्टैटिक रैम। डी रैम डायनामिक रैम होती है जो महंगी होती है। रैम इज वोलाटाइल, वोलाटाइल वो मेमोरी होती है जिसमें चीजें लास्ट हो जाती हैं, जिसमें चीजें लंबे अरसे के लिए सेव नहीं रहती। डी फ्लैश ऑफ इंस्ट्रक्शन अंडर द प्रोसेस ऑफ एग्जीक्यूशन इन कैप्टन, जो चीजें एग्जीक्यूट हो रही होती हैं उसका हम एड्रेस कहाँ रखते हैं, प्रोग्राम काउंटर में। प्रोग्राम काउंटर में क्या रखते हैं, जो चीजों का इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रही होती है। डेटा एंड प्रोग्राम विच आर नॉट बीइंग यूज्ड आर सेव्ड इन सेकेंडरी मेमोरी, जो चीजें हम यूज नहीं कर रहे वो कहां सेव होती हैं, सेकेंडरी मेमोरी। लेकिन जब हम किसी चीज को रन करते हैं तो चीजें सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी में आती हैं और मेन मेमोरी में वो रन होती हैं। अरिथमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशन आर परफॉर्म्ड बाय ALU, इसकी फुल फॉर्म भी अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट है। फ्लॉपी डिस्क जो है वो क्या है, स्टोरेज डिवाइस है, स्टोरेज करती है, आजकल इतनी यूज नहीं होती। पी राम, ई पी राम, डबल ई पी राम क्या है, टाइप्स ऑफ रोम है, असल में ये टाइप्स नहीं है, ये उसकी वेरिएशन है, लेकिन आपकी बुक में टाइप्स के तौर पर दिया गया है। राम क्या होती है, रीड ओनली मेमोरी। पी राम प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, यानी उसमें चेंज करके उसको प्रोग्रामेबल बनाया जाता है, लेकिन एक ही दफा रीड हो सकती है, राइट हो सकती है, वरना फिर रीड ओनली मेमोरी होती है। ई पी राम में इरेज भी कर सकते हैं और फिर प्रोग्राम कर सकते हैं, यानी कि ये बिल्कुल रैम की तरह बन जाती है, ये भी ई पी राम ही है।
लेकिन ये इलेक्ट्रॉनिक वाली है, यानी कि इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल या इस तरह की चीजें इलेक्ट्रिकल चीजें यूज होती हैं इसमें रेज करने के लिए, इलेक्ट्रिकल पल्स यूज होती हैं, इसलिए इसको डबल ईपी राम कहते हैं। वरना ईपी राम और ईईपी राम तकरीबन सेम है, इन दोनों में रेज हो जाती है। ठीक है, पी राम में सिर्फ एक दफा आप लिख सकते हैं, राम में आप लिख ही नहीं सकते। रेज वाली मेमोरी है विच इज फास्टर मेमोरी कैशे बिकॉज सेल्स ऑफ मेमोरी आर लॉजिकली ऑर्गेनाइज्ड इनटू ग्रुप ऑफ 8 बिट्स। एक बाइट जो होता है ना वो एक सेल होता है मेमोरी का। टेम्पोरेरी स्टोरेज एरिया विद इन सीपीयू रजिस्टर, सीपीयू के अंदर तीन चीजें हैं बेसिकली, एक एएलयू है अरिथमेटिक एंड लॉजिक, एक सीपीयू कंट्रोल करता है रजिस्टर जहां स्टोर होता है, स्टोर वहां कुछ ही जो है ना टाइम के बहुत छोटे जब तक ऑपरेशन हो रहा है वो स्टोर होता है। असल में चीजें मेमोरी में स्टोर होती हैं, रजिस्टर भी एक किस्म की मेमोरी है लेकिन ये सिर्फ प्रोसेसर के दौरान यूज होती है। सीपीयू इज हार्डवेयर डेफिनेटली, द लोकेशन इन मेमोरी वेयर डाटा इज कैप्ट सेल जो कि 8 बिट का होता है, 1 बाइट का होता है। कंपेयरिंग टू कंटेंट्स डन बाई, दो चीजों को कंपेयर करने के लिए अरिथमेटिक यूनिट यूज होता है। काउंटर रजिस्टर क्या करता है, काउंट करता है, सी एक्सिस को कहते हैं। मेमोरी इज मेड अप ऑफ सेल्स, मेमोरी इज मेड अप ऑफ सेल्स जिनके सेल्स होती हैं और सेल एक एक 8 बाइट का होता है यानी कि 1 बाइट का होता है। अनदर नेम ऑफ मेन मेमोरी प्राइमरी मेमोरी भी कहते हैं। मेन मेमोरी को जिसमें रैम होती है, रैम का फुल फॉर्म क्या है, रैंडम एक्सेस, यानी कि कहीं भी हम चीज स्टोर कर सकते हैं, कहीं से भी रीड कर सकते हैं। रोम रीड ओनली मेमोरी इज नॉन वोलेटाइल, मैंने बताया कि रीड ओनली मेमोरी जिसमें रीड कर सकते हैं लिख नहीं सकते लेकिन ये परमानेंट स्टोर करती है। रैम इज टेम्पोरेरी मेमोरी वोलाटाइल, वोलाटाइल जो चेंज हो जाए। प्राइमरी टाइप्स ऑफ रैम दो, डी रैम और एस रैम। एस रैम अच्छी वाली होती है, इसमें रिफ्रेश नहीं करना पड़ता, डी रैम को रिफ्रेश करना पड़ता है। फ्लैश सेगमेंट एंड कुमुलेटर आर काइंड ऑफ रजिस्टर, ये सारे रजिस्टर हैं। विच मेमोरी इज यूज्ड टू बैक अप फ्लैश मेमोरी और हार्ड डिस्क, सेकेंडरी मेमोरी हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क किसकी टाइप है, सेकेंडरी मेमोरी की। प्राइमरी मेमोरी कौन सी है, वो तो रैम है। डेटा इज रेज बाई अल्ट्रा वायलेट रेज ईपी राम, ईपी राम में अल्ट्रा वायलेट से रेज होता है और डबल ईपी राम में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यानी इलेक्ट्रिकल रेज से होता है। ठीक है, डेटा इज रेज बाई इलेक्ट्रॉनिक पल्स डबल ईपी राम। रैम कैन नॉट बी यूज फॉर बैकअप, रैम में बैकअप क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि चीजें आरबी स्टोर होती हैं, वो जो है ये वोलाटाइल होती है। सीपीयू एंड सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को प्रोसेसर भी बोलते हैं। कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर दैट एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शन सीपीयू। विच मीडिया इज यूज फॉर बैकअप, हार्ड डिस्क क्योंकि जिसके सेकेंडरी स्टोरेज है। सीपीयू कंसिस्ट ऑफ एएलयू एंड सीयू, इसके अलावा रजिस्टर भी होता है। एस रैम एंड डी रैम आर टाइप्स ऑफ रैम, एस रैम क्या होती है, स्टैटिक रैम और डी डायनामिक रैम। एस रैम अच्छी होती है, बार बार बता रहा हूँ, रिफ्रेश करना नहीं पड़ता, डायनामिक रैम को रिफ्रेश करना पड़ता है बार बार। ये बस 764 लाइंस कैन स्टोर डेटा, 64 लाइन जिसमें हूँ, हर लाइन आपने ये दिन में रखना है कि एक बिट स्टोर कर सकती है। ठीक है, तो इसलिए बस 764 लाइंस कैन स्टोर 64 बिट। बस असल में कम्युनिकेशन के लिए यूज होती है, ये डेटा ले जाती है, तो जो 64 बिट है वो 64 लाइन के वो 64 बिट ले जाती है, एक लाइन एक बिट लेकर जाती है। टाइप्स ऑफ बस तीन बस होती हैं। अच्छा, इसको थोड़ा चेंज कर लें, इसकी दो टाइप्स हैं, कितनी टाइप्स हैं, दो, इसको चेंज कर लेना आपने। टाइप्स ऑफ बस दो, एक होती है सिस्टम बस, एक होती है एक्सपेंशन बस। आगे सिस्टम बस की तीन टाइप्स हैं, असल में मैंने इधर वो सिस्टम बस की टाइप देखती है, यानी कि एड्रेस बस, कंट्रोल बस, डाटा बस, वो सिस्टम बस की टाइप है। टाइप ऑफ बस दो हैं, एक होती है सिस्टम, एक होती है एक्सपेंशन। एड्रेस कंट्रोल एंड डेटा बस आर टाइप ऑफ सिस्टम बस, इधर भी आपने वो कर लेना है, या तो सिस्टम बस इधर कर लें या इधर कर लें एक्सपेंशन एंड सिस्टम बस। कंपोनेंट विच इज यूजिंग टू कनेक्ट डिफरेंट कंपोनेंट इज कॉल्ड बस इंटरकनेक्शन। बस असल में क्या करती है, कम्युनिकेट करने के लिए इस्तेमाल होती है। पाथ यूज टू ट्रांसफर डेटा इज कॉल्ड बस। सीपीयू प्रोवाइड एनेबलिंग सिग्नल थ्रू कंट्रोल बस। कंट्रोल बस क्या करती है, सिग्नल को इनेबल करती है। वो मैनी बिट्स आर कैरीड बाय वन लाइन ऑफ बस, वन बिट जिसने जो पीछे हमने पढ़ा 64 बिट के लिए 64 बिट। इफ मेमोरी लोकेशन इज टू बी रीड, सीपीयू प्लेस एड्रेस इन मेमोरी एक्सेस रजिस्टर। इसमें क्या होता है, मेमोरी एक्सेस रजिस्टर क्या काम करता है, मेमोरी लोकेशन इज टू बी रीड, यानी कि कोई मेमोरी पढ़नी हो मेमोरी का एड्रेस स्टोर करने के लिए मेमोरी एड्रेस रजिस्टर यूज होता है। मेमोरी एक्सेस में मेमोरी एड्रेस रजिस्टर यूज होता है। Which register hold the address of next instruction, program counter. Program counter ये पहले इंपोर्ट किया है, ये register का नेम है जो हमने चलाना है, instruction का address store करता है वो program counter है। Size of segment register is 2 byte. Segment register कितने byte का होता है, 2 byte का होता है। The order of stack last in first out. Order of stack क्या होता है, ये एक memory में एक समझ लें कि एक ऐसा हिस्सा है जिसमें ऊपर से चीज रखते जाते हैं और फिर ऊपर से निकालनी पड़ती है, यानी कि जो आखिर में आती है वो पहले निकलती है, इसलिए इसको लास्ट इन फर्स्ट आउट भी बोलते हैं। तो order of stack क्या होता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। इंटरप्ट सिग्नल, इंटरप्ट क्या होता है, सिग्नल होता है जो इंटरप्ट करता है कुछ कमांड देने के लिए
EBS, ECS, EDS क्या हैं, जनरल पर्पस रजिस्टर हैं, इनके नाम आपको याद करने पड़ेंगे। व्हिच रजिस्टर होल्ड्स द ड्रेस ऑफ नेशनल इंस्पेक्शन प्रोग्राम काउंटर, ये बार बार रिपीट हो रहा है। एक्स्ट्रा सेगमेंट रजिस्टर डील विद वेरिएबल, सेगमेंट रजिस्टर जहाँ एक्स्ट्रा सेगमेंट रजिस्टर क्या डील करता है, वेरिएबल को। The step that performs, और इसकी जो segment register है, जो दो bytes करता है, पहले भी पढ़ चुके हैं। The step that performs action give in instruction is called fetch। ये instruction को जब हम लाते हैं तो उसको बोलते हैं fetch। The step that performs action give in, यानी कि अंदर जो ला रहे होते हैं instruction को, उसको fetch बोलते हैं। Additional copy, backup, extension of executable file is dot exe। Syntax error कौन detect करता है, compiler और interpreter detect करते हैं, ये दोनों translator हैं। Types of translator और language processor तीन होते हैं, कौन कौन से, assembler, compiler और interpreter। Assembler assembly language को translate करता है, compiler और interpreter दोनों high level language को low level में करते हैं, या low level या फिर उसको machine language बोलते हैं, क्योंकि low language तो assembly भी है, तो assembly को भी machine language में convert करते हैं। वो उसके लिए assembler यूज होता है, compiler और interpreter high level को low level में। लेकिन फर्क इनमें क्या होता है, compiler पूरे प्रोग्राम को करता है और interpreter जो है एक एक लाइन को। विच वन इज फास्टेस्ट, रजिस्टर सबसे फास्टेस्ट है, कैश से भी ज्यादा। आउटपुट ऑफ कंपाइलर ऑब्जेक्ट कोड, जो पहले क्या होता है सोर्स कोड, फिर ऑब्जेक्ट कोड बनता है, ठीक है, और जो एग्जीक्यूटेबल फाइल बनती है उसको डॉट एक्सी बोलते हैं। द प्रोग्राम विच कंटेन इंस्ट्रक्शन टू ऑपरेट डिवाइस, यानी कि ऐसा प्रोग्राम जो डिवाइस को चलाने के लिए इस्तेमाल होता है उसको डिवाइस ड्राइवर बोलते हैं। फाइंडिंग एंड रिमूविंग एरर इज नोन एज डीबगिंग, डीबग होती है एरर, डीबगिंग एरर रिमूव करना। Which one handles connection with peripheral? Peripheral जो साइडों पर डिवाइसेस लगी होती हैं, उनसे कैसे रब्ता करते हैं, बस के लिए। मैंने पहले बताया बस जो है वो डेटा का रब्ता करवाती है। Read data from input devices, show result and memory management is the functionality of the following operating system. Operating system कंप्यूटर का मेन हिस्सा होता है जो सारे सिस्टम को कंट्रोल कर रहा होता है। अब हम डिस्कस करेंगे बहुत अहम शॉर्ट क्वेश्चन को इस चैप्टर के, स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटिंग क्या होता है, स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटिंग क्या होती है, जो वन ह्यूमन का कंसेप्ट है कि पहले प्रोग्राम स्टोर करो फिर उसको रन करो। कंप्यूटर आर्किटेक्चर क्या है, वही कंप्यूटर आर्किटेक्चर जिस तरह कंप्यूटर बना हुआ है उसमें मेमोरी है, उसमें क्या सेकेंडरी मेमोरी है, उसमें सीपीयू है, सीपीयू क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसमें एएलयू होता है, सीयू होता है और रजिस्टर होते हैं। एएलयू अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, व्हाट इज कैश, फास्टेस्ट मेमोरी, इनपुट आउटपुट यूनिट क्या होता है, कीबोर्ड आउटपुट मॉनिटर वगैरह आ जाते हैं। रैम क्या होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, किसी भी टाइम हम इसको एक्सेस कर सकते हैं, और ये प्राइमरी मेमोरी भी होती है और वोलाटाइल होती है। वोलाटाइल मतलब नॉन वोलाटाइल, जो टेम्परेरी होती है, जो कंप्यूटर बंद करने से जाया हो जाए वोलाटाइल, जो ना जाया हो वो नॉन वोलाटाइल परमानेंट। रोम क्या होती है, रीड ओनली मेमोरी। स्टैक एंड स्टैक पॉइंटर रजिस्टर क्या होते हैं, स्टैक में मैंने बताया कि डेटा ऊपर से स्टोर होता है, ऊपर से निकालते हैं, यानी कि जो बाहर निकल जाती है वो पहले निकलती है। सोर्स कोड क्या होता है और ऑब्जेक्ट कोड क्या होता है, सोर्स कोड हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा होता है, जब उसे कंपाइलर इंटरप्रेटर और असेंबलर कन्वर्ट करते हैं तो वो ऑब्जेक्ट कोड बन जाता है। कंपोनेंट, अच्छा अब ये एम है, पहले वाले ज्यादा एम थे। कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर आर्किटेक्चर कौन कौन से हैं, सीपीयू है, आगे कौन सा है, मेमोरी है, सेकेंडरी मेमोरी है, एलयू क्या है, और ये जो लॉजिक यूनिट और अरिथमेटिक यूनिट, ये मैथ वाले ऑपरेशन करता है और ये लॉजिक वाले रिलेशन ऑपरेशन कंपेयर वगैरह करना। सीपीयू कंट्रोल करता है सारे चीजों को, यूनिट ऑफ सीपीयू कौन से हैं, सीपीयू में एएलयू, सीयू और रजिस्टर। व्हाई डीरैम यूज मोर पावर, क्योंकि इसको रिफ्रेश करने की जरूरत होती है। रोम क्या होती है, रीड ओनली मेमोरी। एस रैम और डी रैम क्या होती है, ये रैम की टाइप्स हैं। एस रैम अच्छी, डी रैम इतनी अच्छी नहीं है, इसको रिफ्रेश करना पड़ता है। पी राम एंड ईपी राम, ये रोम की दो वेरिएशन है। पी राम क्या प्रोग्रामेबल, ईपी राम जो इरेज भी हो सकता है, यानी कि ये रैम की तरह बिहेव करना शुरू हो जाती है लेकिन रहती परमानेंट ही है। कंट्रोल बस क्या होती है, कंट्रोल जो है इंस्ट्रक्शन को सेंड करने के लिए इस्तेमाल होती है, यानी कि बस इसमें डाटा सेंड और रिसीव करने के लिए इस्तेमाल होती है, लेकिन कंट्रोल बस क्या होती है, कंट्रोल करने के लिए चीजों को, कमांड को सेंड करने के लिए इस्तेमाल होती है। सिस्टम बस क्या होती है, जो सिस्टम के अंदर यूज होती है। और एक्सपेंशन बस जो बाहर वाली बस की दो टाइप है, सिस्टम बस और एक्सपेंशन बस। सिस्टम बस जो सिस्टम के अंदर चीजों को कंट्रोल और डेटा सेंड करती है, और दूसरी एक्सपेंशन बस जो बाहर चीजें मोच वगैरह लगाया उसके लिए यूज होती है। सिस्टम बस में अगर फिर आगे तीन चीजें हैं, एक कंट्रोल बस जो कंट्रोल इंस्ट्रक्शन सेंड करती है, डाटा बस जो डाटा सेंड करती है, एड्रेस बस जो एड्रेस सेंड करती है। टाइप्स ऑफ बसेस दो, व्हाट इज डीएमए, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, इसमें सीपीयू मेमोरी को यूज नहीं करता, हम डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस करते हैं। इंटरप्ट क्या होता है, एक सिग्नल होता है जो कि कंप्यूटर का कंट्रोल लेने के लिए इस्तेमाल होता है। रजिस्टर क्या होता है, फास्टेस्ट मेमोरी है जो इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए इस्तेमाल होती है। जनरल पर्पस रजिस्टर कौन से हैं, इनके नाम आपने याद करने हैं, ईसीएक्स, बीसीएक्स वगैरह जो थे, जिनका काम जनरल होता है, जो एड वगैरह सब कुछ करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। फंक्शन ऑफ स्टैक क्या होता है, लीफो, और स्टैक में बाद में चीज रखते हैं और जो बाद में रखी वो पहले निकाल लेते हैं।
फोर डिफरेंट एड्रेस रजिस्टर कौन से हैं, उनके नाम बताने हैं, जिसमें से मैम में याद इनको बोलते हैं मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, मेन मेमोरी क्या होती है, रैम वगैरह, बस इंटरकनेक्शन, बस जो डेटा सेंड करती है और बस की टाइप उसमें बता सकते हैं, इंटरप्रेटर कंपाइलर असेंबलर, ये मेमोरी ट्रांसलेटर है। तो इस वीडियो में इतना ही, ये थे इस चैप्टर के बहुत अहम सवाल, इसमें 60 क्वेश्चन जो दिए हैं ये सारे के सारे बहुत अहम हैं, इनमें से कोई भी नहीं छोड़ा जा सकता। वैसे इस चैप्टर बहुत बड़ा है और इसमें 4 शॉर्ट क्वेश्चन हैं, उम्मीद है ये मार्क्स लेवल के मुताबिक ये शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे, तो इंशाल्लाह कम से कम 3 शॉर्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लेंगे। एमसीक्यू वैसे ही मैंने ज्यादा दिए हैं, इधर भी लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आपको पता है मैं पूरी बुक के लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा ग्रेट साइंस एकेडमी की जो है तरफ से। इस वीडियो में इतना ही, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट में जरूर अपनी राय दें, कोई सजेशन हो, कोई किसी किस्म का सवाल हो तो जरूर दें, लाइक करें और शेयर करें। बहुत शुक्रिया, गुड बाय।